అనుదిన అనుక్షణ మనయల్లు కలియో కలిక యొసలి జొతేగూడి హెచ్చ సీ కలియో నమ్మ క్లాస్ ఎసో ఎస్టి ma'am असल बरकातहू मैं नाजरा बेगम सदर मलमा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल एनकूर तालुका बालकी से आज मैं आपके सामने शशम का मजमून समाजी साइंस में हमारा कर्नाटक सबक लेकर आई हूँ अज़ीज़ तलबा व तालिबात मैं आप तमाम नाजरीन का संविदा ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ खुश आहदीद खुश आमदीद आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं इस सबक के मुताले से दर्ज झैल वाक़ से वाकिफ होंगे जैसे रियासत कर्नाटक के कलबुर्गी डिवीज़न की तारीख अजला खसूसात और उनकी अहमियत को जानना हैदराबाद कर्नाटक के इलाकों में आज़ादी की तहरीक को जानना कलबुर्गी डिवीज़न की खसूसात कुदरती वसायल के बारे में जानकारी हासिल करना अजीज़ तलबा मैं आपसे चंद सवाल करूंगी आप अपनी सबक मालूम की बिना पर जवाब देंगे हमारी रियासत का नाम क्या है बिल्कुल सही हमारी रियासत का नाम कर्नाटक है मेरा अगला सवाल है कर्नाटक रियासत में कितने डिवीजन हैं हाँ आप बताइए बिल्कुल सही कर्नाटक रियासत में चार डिवीजन हैं मेरा अगला सवाल है क्या आप इन चार डिवीजन के नाम बता सकते हैं हाँ आप बताइए माशाल्लाह बिल्कुल सही बेंगलोर मैसूर बेलगाम और कलबुर्गी कलबुर्गी डिवीजन को पहले किस नाम से जाना जाता था और अब किस नाम से जाना जाता है बिल्कुल सही पहले हैदराबाद कर्नाटक और अब कल्याण कर्नाटक के नाम से जाना जाता है इस तस्वीर में आपको कौन सी रियासत का नक्शा दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही ये रियासत कर्नाटक का नक्शा है तो आज हम छठी जमात की सामाजिक साइंस हिस्सा दुवम का पहला सबक हमारा कर्नाटक जारी में कलबुर्गी डिवीजन के बारे में मालूम हासिल करेंगे तो अजीज़ तलबा सबसे पहले आप अपनी कापी पेन और किताब निकाल लीजिए ताकि आप अपनी कापी में अहम मालूम को ख़लम बंद कर सकें चलिए रेडी हैं आप चलिए अब हम सबक की तरफ बढ़ते हैं कौन सा सबक पढ़ने जा रहे हैं हम हमारा कर्नाटक हमारे कर्नाटक में कलबुर्गी डिवीज़न के बारे में मालूम हासिल करेंगे कलबुर्गी डिवीज़न में छः अजला हैं कितने अजला हैं छः अजला हैं अब देखेंगे ये छः अजला कौन कौन से हैं कलबुर्गी बीदर बेलारी रायचूर कोप्पल और यादगीर आप यहाँ नक्शे में भी देख सकते हैं बीदर कलबुर्गी यादगीर रायचूर कोप्पल और बेल्लारी इन जिलों में कोप्पल को बाद में सन उन्नीस ईस्वी में जिला बनाया गया यानी कलबुर्गी डिवीज़न में पहले पांच अजला हुआ करते थे सन उन्नीस में कलबुर्गी जिले को बांटकर एक नया ज़िला कोप्पल बनाया गया जो बाद में कलबुर्गी डिवीज़न में भी कर, कर्बुलगी डिवीज़न में उसको ऐड किया गया आप यहाँ नक्शे में कोप्पल ज़िले को देख सकते हैं कर्नाटक रियासत के दीगर डिवीज़न के मुकाबले कलबुर्गी डिवीज़न बहुत ही पसमानदा पिछड़ा हुआ था क्योंकि यहाँ पर तालीमी माशी समाजी ये तमाम तबहों में जो है ना ये पीछा था पीछे था तालीमी मैदान में तो बहुत पीछे था तो खेती बाड़ी में भी पीछे था इसके लिए इनको सहूलतें देने की खातिर डॉक्टर डी एम नंजुंडप्पा कमेटी बनाई गई तो यहाँ पर डॉक्टर डी एम नंजुंडप्पा जो कमेटी बनाई उस कमेटी के तहत 371 जे जो है ना वजूद में आया। यानी इसके नतीजे में 371 जे को एक मखसूस मुकाम अता किया गया थ्री सेवेंटी वन जे ये मुकाम हासिल करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी यूँ ही जो है ना थ्री वन हमको हासिल नहीं हुआ थ्री सेवेंटी वन सेप्टेम्बर दो हज़ार बारह में अमल में आया जिसके तहत तालीम तालीमी मैदान और मुलाजिमत में हैदराबाद कर्नाटक के बाशिंदों को एक मखसूस मुकाम अता किया है अब हम देखेंगे कलबुर्गी डिवीजन के तारीखी पस मंजर के बारे में तो उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी हिंदुस्तानी तारीख में रही चंद ख़दीम सल्तनतों के नाम बतलाइए हाँ आप बतलाइए बिल्कुल सही मुगलिया सल्तनत अशोका सल्तनत बहमनी सल्तनत मराठा सल्तनत और राष्ट्रकूट सल्तनत इस तरह की कई सल्तनतों ने हमारे कलबुर्गी डिविजन पर राज किया है जिसमें मौर्या सल्तनत है शातवाहन सल्तनत है अशोका सल्तनत राष्ट्रकूट सल्तनत और कृष्णा देवराय की सल्तनतें अहम थी ये तमाम सल ये तमाम सल्तनतें अपने दौर में हिंदुस्तान को आज़ादी हिंदुस्तान को परवान चढ़ाने के लिए अपना भरपूर जो है ना ताउन दिया है और राष्ट्रकूटों की दारुल हुकूमत मलखेड़ थी इसके बाद कल्याण में चालुक्यों की हुकूमत रही कृष्णा देवराय के विजयनगर हुकूमत हम्पी थी यहाँ पर आप हम्पी का नज़ारा आप देख सकते हैं हम्पी का रथ जो है ना आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं मलखेड़ जो आज कलबुर्गी ज़िले में वाक़ है यहाँ पर बहुत बड़े सीमेंट के कारखाने और सीमेंट की सनतें हैं कृष्णा देवराय की हम्पी में आज भी कई तारीखी मुखामत ऐसे हैं जिसको देखने के लिए देश परदेश से लोग आते हैं यहाँ पर एक ही पत्थर में तराशा गया रत देखने के लायक है जो आप यहां तस्वीर में देख रहे हैं कृष्णा देवराय के दारुल हुकूमत में जिस तरह से आज के दौर में हरा बटाना चना और मूंगफली बेचा करते हैं उस तरह से कृष्णा देवराय के दरबार में हीरे जहरात बेचा करते थे आप ये तस्वीर आप यहां पर तस्वीर देख रहे हैं किसकी तस्वीर है बिल्कुल सही ये महात्मा बसवेश्वर की तस्वीर है मशहूर वचन निगार महात्मा बसवेश्वर ने अपने हामियों के साथ मिलकर एक वचन तहरीक चलाई वो बसव कल्याण में कलबुर्गी डिवीज़न में ही आता है वचन तहरीक जो उन्होंने चलाई वो बसव कल्याण ज़िला बीदर का एक तालुका है जहाँ पर उन्होंने एक तहरीक चलाई ये तहरीक ऐसी ही तहरीक नहीं थी बल्कि एक समाजी तहरीक थी जिसके जरिए उन्होंने लोगों में भेदभाव ऊंच नीच अमीरी गरीबी तमाम चीजों को जो है ना मिटा दिया ये तहरीक अलहमद एक कामयाबी को पहुंची बहमनी सल्तनत के वजीर आजम महमूद गांव जिसने बहुत ही उम्दा और तारीखी काम अपनी सल्तनत में किया है आप यहाँ पर मोहम्मद गांव मदरसा जो है ना आप यहाँ पर देख सकते हैं महमूद गांव मदरसे में सुनने में आता है कि यहाँ पर दूर दराज से देश परदेश से कई जो है ना तलेब इल्म तालीम हासिल करने के लिए आते थे और कई इल्म जो है यहां सर यहां से होकर गए हैं बहमनी और विजयनगर के खात्मे के बाद कलबुर्गी हैदराबाद के निजाम की हुकूमत में शामिल था और बाद में सन उन्नीस में आजाद हिंदुस्तान में शामिल हुआ बीदर कलबुर्गी रायचूर कर्नाटक में शामिल हुए और मद्रास सूबे में रहने वाले बेल्लारी को कर्नाटक में शामिल किया गया यानी उन्नीस में कोप्पल जिले को कलबुर्गी डिवीजन में शामिल किया गया बहमनी और विजयनगर की सल्तनत में कई सूबे आज़ाद हुए जिसमें हरपनहली जरीमेटे संडूर और सूरपुर मशहूर हैं सूरपुर के कृष्णा नायक की वफात के बाद के बाद उनके बेटे वेंकटप्पा नायक ने अंग्रेजों से लड़ाई की मगर वो नाकाम रहे आखिर में अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया और आज भी हुकूमत कर्नाटक में वेंकटम नायक के कई लोग कई पर जो है ना फायज हैं अच्छा बच्चों अब हम हैदराबाद कर्नाटक इलाके में आजादी की तहरीक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी क्या हैदराबाद कर्नाटक सूबा हिंदुस्तान के साथ आजाद हुआ क्या हैदराबाद कर्नाटक सूबा हिंदुस्तान के साथ आज़ाद हुआ नहीं बिल्कुल सही माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने 15 अगस्त सन उन्नीस को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ तीन रियासतें ऐसी थीं जो हिंदुस्तान में शामिल नहीं थी जिसमें से एक रियासत हैदराबाद है जो हिंदुस्तान में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था ग्यारह महीने बाद निजाम के, निजाम के खिलाफ स्वामी रामानंद तीर्थ ने मुहिम छेड़ी उनके साथ सरदार इनामदार, शिवमूर्ति, शीरवीर भद्रप्पा प्रभु पाटिल और दीगर लोगों ने मुहिम मुहिम में हिस्सा लिया उस वक्त मरकजी हुकूमत के वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल थे आप यहाँ उनकी तस्वीर देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी अंतक कोशिशों के बाद सत्रह सेप्टेम्बर सन हैदराबाद जो है ना आजाद हुआ और उस इलाके को आजाद हिंदुस्तान में शामिल किया गया और उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के वजीर थे यानी वो हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम भी थे उसके ताल्लुक से मैं आपसे चंद सवाल करूंगी आप उनके जवाब देंगे तो मेरा पहला सवाल है कलबुर्गी डिवीज़न में कितने अजला हैं नाम बताइए बिल्कुल सही छः अजला हैं कौन कौन से बीदर कलबुर्गी यादगीर रायचूर कोप्पल और बेल्लारी अगला सवाल दस्तूर की किस दफा के तहत कलबुर्गी डिवीजन के अजला को मखसूस मुकाम दिया गया बिल्कुल सही दस्तूर की दफा 371 जे के तहत एक मखसूस मुकाम दिया गया अगला सवाल निजाम की हुकूमत के खिलाफ तहरीक किसने छेड़ी बिल्कुल सही रामानंद तीर्थ ने हैदराबाद कर्नाटक को जमहूरी हिंदुस्तान में कब शामिल किया गया हाँ आप बताइए बिल्कुल सही 17 सितंबर सन 1948 को जमहूरी हिंदुस्तान में शामिल किया गया अगला सवाल बहुत ही आसान है हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम का नाम क्या है बिल्कुल सही पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। आप यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर भी देख सकते हैं हैदराबाद कर्नाटक को जब जमहूरी हिंदुस्तान में शामिल किया गया तो उस वक्त वजीर दाखिला कौन थे बिल्कुल सही सरदार वल्लभ भाई पटेल थे आप यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर भी देख सकते हैं अजीज तलबा अब हम कलबुर्गी डिवीजन के कुदरती वसायल के बारे में मालूम हासिल करेंगे कुदरती वसायल वो होते हैं जो हमें कुदरत से हासिल होते हैं जैसे हवा पानी और पेट्रोल डीजल ऑक्सीजन कोयला मिट्टी पत्थर ये तमाम चीजें कुदरती हैं जो हमें कुदरत से हासिल होती हैं, लेकिन पानी एक सबसे अनमोल चीज है जिसके बारे में अब हम जो है ना जानेंगे यानी नदियों के ताल्लुक से कलबुर्गी डिवीजन के जो अहम नदियां हैं उसके बारे में हम जानेंगे तो देखेंगे कलबुर्गी डिवीजन के अहम नदियां ये हैं भीमा तुंगभद्रा, कृष्णा मुलामारी और तोरे कलबुर्गी डिवीजन में तीन किस्म की मिट्टी पाई जाती है कितने किस्म की मिट्टी पाई जाती है तीन किस्म की एक लाल यानी सुर्ख मिट्टी जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं और काली यानी सिया मिट्टी आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं तीसरे नंबर पर आती है चिकनी मिट्टी कौन सी मिट्टी चिकनी लाल काली और चिकनी मिट्टी ये तीन किस्म की मिट्टी हमारे कलबुर्गी डिवीज़न में पाई जाती है ये ये तीन किस्म की मिट्टी से हम तरह तरह के अनाज उगा सकते हैं खेती बाड़ी में अनाज दालें वगैरह जो है ना ऐसे फसल हम उगा सकते हैं तो अब हम कलबुर्गी डिवीजन के अहम फसलों के बारे में मालूम हासिल करेंगे रायचूर और कोप्पल में धान उगाई जाती है और धान से हम क्या हासिल करते हैं धान से हम चावल हासिल करते हैं बीदर और कलबुर्गी में तुवर उगाई जाती है तुवर से हम तुवर की दाल हासिल करते हैं और तमाम अजला में गन्ना उगाया जाता है जिसे हमारे कलबुर्गी डिवीजन में कई जगह पर शक्कर की फैक्ट्रियां जगह जगह पर मौजूद हैं कहीं सरकारी हैं और कहीं नीम सरकारी हैं इसके अलावा कलबुर्गी डिवीजन में कपास बाजरा जवार और तुवर दाल पाई जाती है अच्छा बच्चों अब हम जंगलात के बारे में मालूम हासिल करेंगे आप यहाँ पर जंगल की तस्वीर देख रहे हैं यानी जिस तरह से हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा पानी गज़ा ज़रूरी है उस तरह से एक अच्छे माहौल को रखने के लिए हमें जंगलात का रहना भी बहुत ज़रूरी है तो हम देखते हैं कलबुर्गी डिवीज़न के जंगलात के बारे में कलबुर्गी डिवीज़न में सबसे घना जंगलाती बेलारी का संडूर है और सबसे कम इलाका जिला पल है सबसे कम जंगलाती इलाका कौन सा जिला है जिला कप्पल है और जो दरमियानी जंगलाती इलाका है वो जिला बीदर है अब हम कलबुर्गी के के मादान्यात के बारे में मालूम हासिल करेंगे मादान्यात यानी जो हम जमीन से धाते हासिल करते हैं जिला रायचूर में सोना चांदी और सिलिकॉन पाया जाता है आप यहाँ तस्वीर में सोना चांदी और सिलिकॉन देख सकते हैं क्या आपने सोने के जेवर देखे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने देखे हैं चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं जिला बेल्लारी और जिला बेल्लारी में कौन सी मादिनियात पाई जाती हैं जिला बेल्लारी में लोहा और मैगनीस पाए जाते हैं आप यहाँ पर लोहा और मैगनीस को देख सकते हैं हमारी रोजाना की जिंदगी में लोहा एक बहुत अहमियत रखता है एक छोटी कील से लेकर बड़े इमारतें तामीर करने तक ये लो, लोहे की चीजें हमारे काम आती हैं अब हम कलबुर्गी डिवीज़न के डैम के बारे में मालूम हासिल करेंगे यानी जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया सन उन्नीस को उसके बाद सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान डैम बनाने में और कारखाने बनाने में दिए हैं अब हम यहाँ डैम के बारे में मालूम हासिल करेंगे तुंगभद्रा डैम रायचूर बेल्लारी अजरा को आपाशी के लिए पानी फ्राहम करता है यानी खेतों को पानी पहुंचाता है कृष्णा नदी पर तामीर किए गए बसवा सागर डैम का पानी रायचूर और करबुल की ज़िले की लिए ज़रात के लिए जो है ना ये काम आता है और कारंजा बीदर की जमीन को पानी फ्राहम करता है अच्छा बच्चों क्या आपने डैम को देखा है नहीं तो चलिए मैं आपको कारंजा डैम की सैर कराती हूँ अजीज तलबा अब हम कलबुर्गी डिवीज़न के जंगलात और जंगली जानवर के बारे में मालूम हासिल करेंगे कलबुर्गी डिवीज़न में जंगलात की कमी है यहाँ पर बड़े जंगली जानवर नज़र नहीं आते यानी जंगली जानवर की रिहायशी जगह कौन सी है जंगल है और जहाँ घना जंगल होगा वहाँ पर जंगली जानवर भी ज्यादा होंगे लेकिन कलबुर्गी डिवीज़न में जंगलात की कमी है इसलिए यहाँ पर जंगली जानवर बहुत ही कम नजर आते हैं और जो दिखाई देते हैं वो दिखाई देने वाले जानवरों में लंगूर, बंदर लोमड़ी भेड़िया जंगली कुत्ता हिरन और रींच है और बेल्लारी में रायचू बेल्लारी में रींच और रायचूर में हिरन जो है ना सबसे ज्यादा नजर आते हैं अब हम देखेंगे जिराती तरक्की और सनतों के बारे में कलबुर्गी डिवीज़न में अवाम का अहम पेशा ज़रात है अवाम का अहम पेशा क्या है ज़रात है यहाँ पर बारिश की कम मकदार है इसलिए बरसात पर मुनहसिर ही जो है ना यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं बरसात की कमी से कमी की वजह से यानी कि बारिश की कमी की वजह से यहाँ पर खहस साली होती है और यहाँ कलबुर्गी के कई अजला को खहस साली अजला के नाम से पहचाना जाता है अब हम देखेंगे कलबुर्गी डिवीजन की अहम सन्नतों के बारे में जहां बेल्लारी और कोपल में लोहे और फौलाद के कारखाने हैं वहीं यादगीर में सीमेंट के कारखाने हैं आप यहाँ पर लोहे और सीमेंट के कारखाने को देख सकते हैं अब हम देखेंगे जिला बीदर का बिदरी फन जिला बीदर का बिदरी फन सारी दुनिया में जो है ना सारे जहां में मशहूर है क्या आपने बिदरी फन को देखा है नहीं तो यहाँ पर लीजिए तस्वीर देखिए ये बिदरी फन की नखाशी है जो देखने लायक है इसको बनाने के लिए बीदर की मिट्टी एक अहम रूल अदा करती है और दो तरीक़ों से जो है ना इसको बनाया जाता है एक में चांदी भरकर बनाया जाता है और दूसरा पंच धातु यानी पांच धातुओं को मिलाकर जो है ना ये बिदरी फन को तैयार किया जाता है और बीदर के अवाम दर के कई अवाम इस पेशे से जुड़े हुए हैं अब हम कलबुर्गी डिवीज़न के मशहूर मकाम के बारे में मालूम हासिल करेंगे सैरो तफरी सियाहत के लिए इस डिवीज़न में काफ़ी मशहूर मकामा हैं बेल्लारी ज़िले का हम्पी तारीफ साज है जो हम इससे पहले देख चुके हैं तुंग भद्रा डैम देखने लायक है आप यहाँ पर हम्पी तुंग भद्रा डैम देख सकते हैं रायचूर ज़िले की हट्टी में सोने की कान है सोने की कान वो नहीं जो आप बालियां वगैरह पहनते हैं सोने की कान वो जिससे धातें निकलती हैं ज़मीन में से धात निकलती है वो सोने की कान ज़िला रायचूर के हट्टी मुकाम पर हैं जो कि पूरे भारत की अकेली कान है कलबुर्गी ज़िले की हज़रतवाजा बमद नवाज़ दरगाह बहुत मशहूर है जहाँ पर कई लोग कई जाराइन जो है ना ज्यारत के लिए वहाँ पर तशरीफ़ ले जाते हैं और बीदर का किला महमूद मदरसा बसवा कल्याण का किला और दरगाह देखने के लिए लोग दूर दराज से जो है ना वहाँ पर आते हैं आप यहाँ पर महमूद गांव मदरसे की फ़ोटो और बीदर के किले की फ़ोटो आप देख सकते हैं बीदर के किले में फ़िल्म की शूटिंग भी होती है क्या आपने कभी बीदर का किला देखा है बच्चों नहीं तो चलिए मैं आपको बीदर के क़िले की सैर कराती हूँ देखा बच्चों आपने किले का नज़ारा चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बहमनी सल्तनत की तरफ बहमनी सल्तनत सन तेरह ईस्वी से सन 1425 ईस्वी तक कलबुर्गी में जो है ना हुकूमत की है यानी उनका दारुल हुकूमत कलबुर्गी था बहमनी सल्तनत का दारुल हुकूमत कलबुर्गी था आप यहाँ पर कलबुर्गी की किले की तस्वीर आप देख सकते हैं और हफ्त की तस्वीर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बहमनी सल्तनत के तारीख़ी इमारत हैं उसके बाद बहमनी सल्तनत बीदर मुंतकिल हो गई यानी 1425 सौ पच्चीस ईस्वी से सन पंद्रह सौ ईस्वी तक बहमनी सल्तनत ने बीदर पर हुकूमत की है आप यहाँ पर बीदर का किला महमूद गांव मदरसा चौबारा चौखंडी अहमद शाह वली की मज़ार अस्टूर और बड़ी शाही आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बहमनी सल्तनत के तारीख़ी इमारत हैं इसको देखने के लिए दूर दराज यानी कि देश परदेश से कई सयाह जो है ना यहाँ पर जाराइन आते हैं अच्छा बच्चों अब तक हमने जो पढ़ा उसके ताल्लुक से मैं आपसे चंद सवाल करूँगी आप अपनी याददाश्त की बिना पर उसके जवाब देंगे चलिए सवाल के जवाब दीजिए मेरा पहला सवाल है कलबुर्गी डिवीज़न की, की अहम नदियाँ कौन सी हैं नाम बताइए हाँ आप बताइए बिल्कुल सही भीमा तुंगभद्रा कृष्णा मल्लामारी बेनी तोरे अहम नदियाँ हैं चलिए मेरा दूसरा सवाल आपसे कलबुर्गी डिवीज़न की अहम फसल कौन सी है बिल्कुल सही गन्ना चलिए हमारा अगला सवाल है कलबुर्गी डिवीज़न का दरमिया जंगलाती इलाका कौन सा है बिल्कुल सही ज़िला बीदर है अगला सवाल कलबुर्गी डिवीज़न के अहम मदनियात कौन से हैं कलबुर्गी डिवीज़न के अहम मदनियात कौन से हैं बिल्कुल सही सोना चांदी और सिलिकॉन हैं मेरा अगला सवाल आपसे कलबुर्गी डिवीज़न के चंद तारीखी मकाम के नाम बताइए हाँ आप बतलाइए बिल्कुल सही कलबुर्गी का किला हफ्त गुम्मत का खिलाफ महमूद गांव मदरसा बड़ी शाही और अस्टूर माशाल्लाह बहुत अच्छे अगला सवाल हजरत ख्वाजा बंदे नवाज रहमत ला दरगाह कहाँ वाक़ है बिल्कुल सही कलबुर्गी में वाक़ है अच्छा बच्चों मैं अब आपको घर का काम दूंगी आप इनके जवाब लिखकर अपने आसातेज़ा को बतलाएंगे बतलाएंगे ना चलिए सवाल लिख लीजिए पहला सवाल बेल्लारी जिले के हम्पी किस सल्तनत का पाए था दूसरा सवाल जिला बेल्लारी और रायचूर को पानी फराहम करने वाला बंद कौन सा है मेरा अगला सवाल कलबुर्गी डिवीजन की अहम सनतें कौन सी हैं कलबुर्गी डिवीजन के कौन से जिले में बहुत ज्यादा लोहे के जखीरे हैं अगला सवाल हिंदुस्तान में सबसे बड़ी सोने की कान किस ज़िले में वाक़ है बच्चों अगली क्लास तक के लिए अब आपसे इजाजत चाहूंगी अगली क्लास में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज